hello friends welcome back to your own channel street trade 24 into 7 इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वीकली बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ तो इस हफ्ते की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ हैं वो सारी हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे तो पहली न्यूज़ रहेगी दोस्तों प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन प्लान है जो बेसिकली काफ़ी आप देख सकते हैं मीडिया में सोर्सेज में आ रहा है जिसमें बेसिकली दो बैंक के नाम बोले जा रहे हैं अभी ऑफिशियली कोई बैंक का नाम अनाउंस नहीं हुआ है मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ बट जो ये आर्टिकल है लाइव मिंट का वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन प्लान्स फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक क्रूशियल मीटिंग हेल्ड तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार एक स्टेप और बढ़ने की कोशिश कर रही है इंचिंग एक क्लोज स्टेप क्लोजर टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू पब्लिक सेक्टर बैंक ए हाई लेवल पैनल हेडेड बाई कैबिनेट सेक्रेटरी रिसेंटली हेल्ड ए मीटिंग टू थ्रैश आउट वेरियस रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ तो यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक रिसेंटली एक कैबिनेट मीटिंग हुई है कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से जो हैडेड की गई थी जिसमें बेसिकली यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बातें सामने उठ कर आई हैं और डिस्कशन भी हुआ है सो द प्रपोजल कुड बी प्लेसड विद द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन डिस इन्वेस्टमेंट और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर अप्रूवल तो दोस्तों प्राइवेटाइजेशन करना भी आपको पता है इतना इजी स्टेप नहीं है बात करूं आई की प्राइवेटाइजेशन की तो लगभग तीन चार साल से हम सुनते आ रहे हैं आई का प्राइवेटाइजेशन बट अभी भी आपको पता है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाया है तो अभी भी सरकार को बहुत ज़्यादा हर्डल्स आने वाली हैं एक तो ओपोजिशन की तरफ से दूसरा रहेगा यहाँ पे अगर ये बैंक जित जो भी दो बैंकों के नाम आ रहे हैं आपको तो वो पीसीए के अंदर है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर है तो देखना होगा कि पीसीए के अंदर कोई बैंक है तो क्या कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाता है या नहीं तो आपको पता है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी निर्मला सीतारमन ने जो इनका बजट स्पीच था फाइव मंथ में उसमें अनाउंस की थी हालांकि जो भी इन्होंने फिर भी चीज़ें बोली थी नेवर हमें जो भी आने वाले टाइम में आउटकम्स रहेंगी उनके ऊपर डेफिनेटली अपनी निगाहें बना के रखनी है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ कोई भी आउटकम आएगी कोई भी न्यूज़ आएगी बड़ी न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आ जाऊँगा आर बी आई एक्सटेंड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन पी एम सी बैंक तो दोस्तों आपको पता है कि किस तरह से पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ा आपने देखा स्कैम सा हुआ था एक तरह से आप कह सकते हो कि कंपनी ने सेवेंटी परसेंट जो लोन पोर्टफोलियो था वो एक ही ग्रुप को दे रखा था तो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस की ही हुई हैं तो अभी आर बी आई ने ऑन फ्राइडे एक्सटेंड कर दिया रिस्ट्रिक्शन ऑन पी एम सी बैंक दट इज पंजाब एंड महाराष्ट्रा कोपरेटिव बैंक फर्दर फ्राम फस्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंेंबर ट्वेंटी वन द आर बी आई सट द डायरेक्शन हैव बीन एक्सटेंडेड इन टू टेकिंग इं टू अकाउंट एट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीशन ऑफ कम्पलीशन ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पी एम सी बैंक तो यहाँ पर पी एम सी बैंक को आपको नहीं देखा होगा रिसेंटली नाम भी आ रहे थे कि इसको बेसिकली मर्ज किया जा सकता है जैसे इसको एक्वायर कर सकते हैं इसमें और बैंक स्टेक बट दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें भी सरकार को अपनी नजर में रखनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से कोपरेटिव बैंक इवन हमने देखा येस बैंक इसके अलावा आई सी सी आई बैंक में भी रेगुलेटरीज पाए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हम बहुत ज़्यादा गवर्निंग की इशू देख चुके हैं Now IDFC First Bank holds banking services to crypto industry. तो दोस्तों आपको पता है क्रिप्टो इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे बात हो रही है बिटकॉइन की है ना जितनी या फिर आप कह सकते हो डोकॉइन की तो बेसिकली आपको पता है कि ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है डिजिटल करेंसीज है तो इसमें बेसिकली कोई रेगुलेटर नहीं होता है ना जैसे आर की बात करूँ तो आर बी आई आपको पता है इंडियन रूपी को रेगुलेट करता है वैसे ही आपको पता है यूएस फेडरल बैंक है हर स्टेट का एक जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस स्टेट की जो पर्टिकुलर इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करता है बट यहाँ पर क्रिप्टो का कोई आपको पता है कोई कंट्रोलर ही नहीं है कोई रेगुलेटरी नहीं है इसी दिशा में आपको पता है आई फर्स्ट बैंक ने इसको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जितनी भी जन होती हैं उनको बेसिकली बैन कर दिया हालांकि आपको पता है आर बी आई ने टू थाउजेंड एटीन में भी एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें उन्होंने बैंक को एडवाइस किया था कि आप जो भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है या क्रिप्टो करेंसी में जो भी कस्टमर डील करते हैं तो उनको स्टॉप कर दीजिए बट उसके बाद क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया इसमें उन्होंने जो चीज़ें थी उसको आपको पता है कि किस तरह से आर बी आई के द्वारा जो चीज़ें गई थी उसको डाउन टर्न कर दिया था तो देखना होगा किस तरह से आने वाले टाइम में ये क्रिप्टो करेंसी और भी ज़्यादा मोमेंटम गेन करती है या फिर क्रैश होती है ऑलरेडी हम देखते हैं कि कितना तेज़ी से यहाँ पे जो चेंजेस है वो हमें ट्वेंटी परसेंट या थर्टी परसेंट एक ही दिन में बढ़ जाता है गिर जाता है तो क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं सुर्खियों में हमेशा रहती है सेवंथ पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ बैंक्स टू इशू पेंशन स्लिप्स बाय एस एम एस ई मेल तो सेवंथ पे कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों तो आपको पता है कि अब जितनी भी जो पेंशनर्स हैं उनको जो उनकी सैलरी स्लिप है दैट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू एस और ई तो आप कह सकते हैं ये भी एक स्टेप डिजिटलाइजेशन की तरफ है आर बी आई टाइटन सी ओ नॉम्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक तो आर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली आपको पता है कि एक तो एम के जैन जो एग्जेक्टिव जो आप कह सकते हो कि जहाँ पे इनके डायरेक्टर थे है ना तो उनका भी टेन्योर जहाँ पे बढ़ा दिया गया है ठीक है तो अभी बेसिकली एक और काम किया कि इन्होंने जितने भी सी ई नोम्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में उनके जो बेसिकली क्वालिफिकेशन की बात करूं या फिर एज लिमिट की बात करूं तो उसके ऊपर इन्होंने अभी आरबीआई ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि बहुत से कॉपरेटिव बैंक के ऊपर आर ने किस तरह से अपनी गाजी गिराई थी किस तरह से आर ने बहुत से कॉपरेटिव बैंक के ऊपर जो गवर्निंग के इशू थे या फिर कुछ यहाँ पर लोन्स के कारण पी बैंक का हम एग्जाम्पल देख चुके हैं तो काफ़ी कोऑपरेटिव बैंक में इरेगुलेटिस पाई गई थी तो उनको उनके ऊपर पूरा शिकंजा कसने के लिए आप देख सकते हैं जो नोम से वो टाइट किए गए हैं कोपोल कोऑपरेटिव बैंक टेक्स फर्स्ट स्टेप टवर्ड्स एमालगा विद पुणे वेस्ट कोसमोस बैंक तो आप देख सकते हैं किस तरह से अभी कोऑपरेटिव बैंक के भी मर्जर होने स्टार्ट हो चुके हैं अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आर को भी स्पॉन्सर बैंक में मर्ज कर देना चाहिए तो देखना होगा किस तरह से सरकार आने वाले टाइम में क्या रीजनल रूरल बैंक्स को भी उनके स्पौन, स्पॉन्सर बैंक में मर्ज करती है क्योंकि आपको पता है एसबीआई सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर करता है रीजनल रूरल बैंक्स को तो कपोल कोऑपरेटिव बैंक को भी हो सकता है यहाँ पे जल्दी एम का मिशन प्लान इनका सक्सेसफुल हो जाए नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों आई बैंक की तरफ से तो आप देख सकते हैं ए एम क्या है इट इज़ बेस्ड इट इज़ बेसिकली गुजरात वेस्ड आरसेलर मित्तल निपोन् स्टील इंडिया निपोन स्टील कंपनी ठीक है तो एम एन एस इंडिया ऑन संडे सेट इट हैज़ एग्जीक्यूटेड ए पेपरलेस विल डिस्काउंटिंग ट्रांजेक्शन इन पार्टनरशिप विद आई सी सी बैंक तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में आई सी सी आई बैंक को अच्छा खासा मुनाफा भी कमा के दे सकता है और आई सी सी बैंक के लिए एक अच्छी न्यूज है कि इतनी बड़ी कंपनी इनके साथ डील कर रही है कोविड नाइनटीन इंपैक्ट फेडरल बैंक प्रोवाइड्स अबाउट फोर हंड्रेड पार्ट टाइम जॉब्स इन केरला तो आपको पता है फेडरल बैंक तो बेसिकली आपको पता है ज़्यादातर साउथ वेस्ट या साउथ में आपको केरला में इसकी ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगी तो अभी फेडरल बैंक ने बेसिकली प्रोवाइड किया है अबाउट फोर पार्ट टाइम जॉब्स इन केरला तो केरला में बेसिकली आपको पता है कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है तो इसी दिशा में कहीं ना कहीं नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब इनकी तरफ से ऑफर की गई है स्टॉक मार्केट जुलाई सीरीज आउटलुक एक्सपर्ट्स प्रोडक्ट थ्री परसेंट गेन इन निफ्टी बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में अच्छी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं एक्सपर्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट जो बहुत से एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि निफ्टी आने वाले टाइम में सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड के लेवल को वहीं बैंक निफ्टी सिक्स थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड के लेवल को भी टच कर सकता है बट एक्जैक्टली exactly इस जो जुलाई मंथ की एक्सपायरी होगी तो उस दिन देखना होगा ट्वेंटी सेकेंड या फिर ट्वेंटी नाइन जुलाई को जो उसकी एक्सपायरी होती है ट्वेंटी नाइन ऑफ से ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को जो बेसिकली इनकी एक्सपायरी होगी निफ्टी की या आप कह सकते हो बैंक निफ्टी की तो देखना होगा किस तरह से हमें एक महीने में आता हुआ देखने को मिलता है एच डी एफ़ सी बैंक सी ई शशिधर जगदीशन सेट द बैंक वॉज बैटिंग ऑन फाइव की बिजनेस तो आप देख सकते हैं पाँच की बिजनेस की तरफ बैंक ने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है बात करें तो कॉर्पोरेट बैंकिंग लेंडिंग टू एम एस एम ई देन गवर्नमेंट बैंकिंग रिटेल एसेट्स एंड पेमेंट्स एज की फोकस एरिया गोइंग ए हेड एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी वुड बी एडिड बाई डिजिटल चैनल्स और ऑलरेडी एच डी एफ सी बैंक का क्रेडिट कार्ड सेक्शन के ऊपर आपको पता है किस तरह से आर बी आई ने उसको बंद करके रखा हुआ जिसका है जिसका डेफिनेटली फायदा इसके जो पीयर्स हैं जब कह सकते हो जो इनके कॉम्पिटिटर हैं आई सी बैंक जो एस कार्ड इनको फ़ायदा हो रहा है एल आई सी एस बी आई लाइफ कैनरा बैंक पिक्सअप स्टेक इन इंडियन बैंक अंडर क्यू आई पी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के अंडर एल आई सी ने अच्छा खासा स्टेक खरीदा यहीं एस बी आई लाइफ ने और कैनरा बैंक ने भी इंडियन बैंक में अच्छा यहाँ पे स्टेक खरीदा है क्योंकि इंडियन बैंक आपको पता है एक इंडियन बैंक और एक विजया बैंक अगर आपने नाम सुना होगा विजया बैंक और इंडिया बैंक ये वही बैंक है जो हर टाइम जो उस टाइम पर भी प्रॉफिट में आते थे जब मोस्ट ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री लॉस शो करती थी तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव न्यू कह सकते हो आप एच डी एफ़ सी बैंक बोर्ड ग्रांट ओवर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फिफ्टी लैख इक्विटी शेयर्स अंडर ई एस ओ पी स्कीम तो एच डी एफ सी बैंक के बोर्ड ने ग्रांट किए हैं छब्बीस पॉइंट इक्यावन लैख शेयर अंडर ई एस ओ पी दट इज़ इम्प्लॉज स्टॉक ऑप्शन प्लान इसमें बेसिकली होता है जो इंप्लॉइज़ होते हैं उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट के ऊपर स्टॉक जो शेयर होते हैं वो दिए जाते हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ आपको बताया कि होल्डिंग पीरियड भी रहता है जो अराउंड वन ईयर का रहता है बैंक इज़ एज म्यूचुअल फंड पिक ऑन वैल्यूशन ग्रोथ तो आई सी बैंक को बहुत से यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने पिकअप किया है एज पर इट्स वैल्यूएशन और इसकी ग्रोथ के देखते हुए तो डेफिनेटली आई सी बैंक में अच्छा छाक हमें ग्रोथ आते आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है वही एच डी एफ़ सी बैंक टारगेट प्राइस रुपीज़ वन एट वन एट आई सी 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 सिक्योरिटीज़ ये मेरे खुद के टारगेट टारगेट नहीं है आई सी सी सिक्योरिटीज़ की तरफ से टारगेट दिए गए आप देख सकते हैं एच डी एफ सी बैंक से रिलेटेड हैं जो वन एट वन एट के इन्होंने टारगेट दिए हैं एट इट्स इट सी एम पी दैट इज़ करंट मार्केट प्राइस येस बैंक लोन फ्रॉड सी बी आई बुक्स फॉर्मर सी जी चेयरमैन गौतम थापर तो आप देख सकते हैं फॉर्मर सी जी जो चेयरमैन थे बेसिकली गौतम थाप्पक को यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हैं बुक किया गया अरेस्ट किया गया है फॉर जेस बैंक लोन फ्रॉड केस ये सारी न्यूज पुरानी है आपको पता है सारा जो पुराना जेस बैंक था है, उसकी बातें हो रही हैं उस टाइम आपको पता है किस तरह से आर और एस ने मिल के बैंक को बचाया था एक्सिस बैंक लॉन्चेस डिजिटल कैंपेन टू प्रमोट इट्स ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल ग्रैप डील तो, तो एक्सिस बैंक भी आपको पता है, पूरी तरह से अभी अपना जो बेसिकली इसके रेजिस्टेंसिस थे काफ़ी तरह टाइम से देखा सेवन हंड्रेड सेवन ट्वेंटी सेवन फोर्टी के लेवल पे से बेसिकली गिर जाता था तो आप, आपको बताइए बेसिकली ऑल्ड टाइम हाई के ऊपर भी जाने की पूछ कोशिशें कर रहा है तो अच्छी न्यूज़ है